नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी, लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। पीएम की सर्वदलीय बैठक में 20 दल शामिल, आपको नहीं मिला मौका। शोपियां में 5 और पंपोर में 3 आतंकियों को किया ढेर। चंडीगढ़ में शुक्रवार को सेक्टर 24 में 61 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति मिला कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़ नगर निगम ने कोरोना के खिलाफ जंग में सामग्री बजट किया कम। कोरोना के चलते हरियाणा में अब 72 घंटों से ज्यादा रुकने के लिए करना होगा खुद को रजिस्टर्ड। हरियाणा के 16 जिलों में 386 नए कोरोना केस, 4 की मौत। चीन विवाद में पंजाब के शहीद वीरों के परिवारों को कैप्टन सरकार ने की वित्तीय मदद की घोषणा। कर्मचारियों के फोन बिलों में कटौती कर खर्च कम करेगी कैप्टन सरकार। 29 जून को होगी हिमाचल मंत्रिमंडलीय बैठक, उद्योगों को मिल सकती है मदद। अब खबरें विस्तार से। भारत चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में दिल्ली के सीएम को न बुलाए जाने पर आपके प्रमुख नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पीएम पर निशाना साधा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आमंत्रित किया। लेकिन मैं बहुत हैरान हूं, कल से मैं बहुत परेशान हूं इस बात को लेकर कि देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक, जिनको 3 बार दिल्ली की जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, अरविंद केजरीवाल, क्या उनकी राय को इस मसले पर शामिल करना जरूरी नहीं समझा प्रधानमंत्री जी ने? जम्मू कश्मीर के शोपियां और अवंतीपुरा में शुक्रवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने दोनों इलाकों में एनकाउंटर के दौरान 8 आतंकवादी मारे। इसमें शोपियां में 5 और पंपोर में 3 आतंकवादियों का सफाया किया गया। चंडीगढ़ में शुक्रवार को सेक्टर 24 में 61 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। शहर में अब कुल 375 पॉजिटिव केस और एक्टिव कोरोना मरीज 63 है। कोरोना के खिलाफ जंग में चंडीगढ़ निगम द्वारा जो 2,82,00,000 रुपए का सामान खरीदा जाना था, अब उसकी जगह पर निगम 20,00,000 रुपए की सामग्री खरीद रहा है। चंडीगढ़ निगम के पिछले महीने हुई बैठक में कई पार्षदों ने 2,82,00,000 रुपए का सामान खरीदने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद टेंडर खारिज कर दिया था और इसकी जगह पर नए टेंडर की शर्तें तय करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। अधिकारियों के अनुसार अब पीपीई किट की जरूरत नहीं है। हरियाणा में बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अब सरल पोर्टल के जरिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और साथ ही एंट्री चेक पोस्ट का भी उल्लंघन करना होगा। हरियाणा के 16 जिलों में 386 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 9,218 हो गई है, जबकि 40,287 मरीज मेडिकल सर्विलांस के दायरे में हैं। लद्दाख में भारत चीन के बीच विवाद में शहीद हुए पंजाब के 4 वीरों के नाम शामिल हैं। परिवारों के दर्द को समझते हुए पंजाब सरकार द्वारा शहीदों के परिवारों को नौकरी व वित्तीय मदद की घोषणा की है। असी जदों भी कोई शहीद होंदा है पंजाब दे विच, असी उन्हां नूं उन्हां दे परिवारां नूं कुछ नौकरी दिंदे हैं और कुछ 10,00,000 दा या 12,00,000 दा, अगर कोई पिता माता पिता हो उन्हां नूं 12,00,000 नहीं, बाकी उन्हां नूं 10,00,000 दा असी मुआवजा दें। मुआवजा तो नहीं, सगों उन्हां दी मदद, उह परिवारां वास्ते मदद असी दिंदे सी। उह इह फैसला जिहड़ा सीगा 10 और 12,00,000 देण दा, इह 1999 च होया सी। हुण बड़े साल लंघ गए ने, खर्चे खुर्चे बहुत वध गए ने, कीमतां वध गईआं ने, ते असी इह सोचिआ कि अगर सच्ची मदद असी करनी है अपने लोगां दी, तां इस 10,00,000 नूं असी 50,00,000 बना रहे हां। खर्च कम करने की कोशिशों में जुटी पंजाब सरकार ने मुलाजिमों को दिए जा रहे मोबाइल भत्ते को बंद करके मुलाजिमों के मोबाइल खुद रिचार्ज करने का फैसला लिया है। वहीं साझा मुलाजिम मंच पंजाब एवं चंडीगढ़ के कन्वीनर सुखचैन सिंह खेरा और मंजीत सिंह रंधावा ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सरकार के सभी मंत्री 15,000 रुपए मासिक टेलीफोन भत्ता ले रहे हैं, जो कि सरकार पर सीधे तौर पर आर्थिक बोझ है। केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20,00,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज से उद्योगों को लाभान्वित करने के लिए सरकार के विभाग
25 जून को हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक के लिए प्रस्तुतियां तैयार करेंगी। मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक में सरकारी स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाचार्यों के पदों को भरने के साथ साथ नए शिक्षण संस्थान खोलने पर चर्चा होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।